हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 25 अप्रैल 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पृथ्वी शॉ के रिगार्डिंग, जहां पर कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एसआरएच की टीम को हरा तो दिया, लेकिन डीसी के लाइनअप में कल हमें पृथ्वी शॉ देखने को नहीं मिले थे, जिसका मतलब है अब मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको ड्रॉप कर दिया है। और क्योंकि लास्ट के 2-3 सालों से पृथ्वी शॉ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब भी रही थी, तो ऐसे में डीसी की टीम के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ही इनको बैक कर चुके थे। तो ऐसे में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की टीम से रिलीज होते ही मुंबई इंडियंस की टीम इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, जहां पर एमआई की टीम इनको अपनी टीम में ओपनिंग करवाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगले साल की नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम आप लोगों को पृथ्वी शॉ के पीछे ऑल आउट जाते हुए नजर आए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर जब आईपीएल की नीलामी हुई थी तो उसके बाद ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऑन पेपर एसआरएच की टीम हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन कल के मुकाबले में मिली हार के बाद अब 90-95% ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि एसआरएच की टीम आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। जिस तरीके का कंपटीशन हमें इस बार देखने को मिल रहा है, 95 भी नहीं बल्कि आप लोग 100% ही मान सकते हैं कि एसआरएच की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इतनी ज़्यादा पेपर पर स्ट्रांग होने के बावजूद भी एसआरएच की टीम बाहर हो गई। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है आज होने वाले मुकाबले को लेकर। आज हमें मैच देखने को मिलने वाला है गुजरात टाइटंस और उनके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच में, जहां पर जीटी की टीम आईपीएल की स्टार्टिंग से ही हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है प्लेऑफ में जाने के लिए। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने भी खराब शुरुआत के बाद अब अपनी लय पकड़ ली है, जहां पर एमआई की टीम भी हालांकि लास्ट मुकाबले में हारी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी पोजीशन काफ़ी हद तक ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले में आज जीतने वाली है। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कैप्टनसी के रिगार्डिंग। अब क्योंकि एमएसडी हर एक मुकाबले के बाद ही लगातार हिंट दे रहे हैं कि वो इस साल आईपीएल खेलने के बाद मोस्ट प्रोबेबली रिटायर हो जाएंगे, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके बाद सीएसके की टीम ने अपनी कैप्टनसी के लिए भी ऑलरेडी सोचना स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएसटी के चले जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये टीम बेन स्टोक्स को अपना नया कैप्टन बनाने वाली है, और उसके साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को ये टीम कैप्टनसी देने के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जडेजा के कैप्टन बनने के बाद उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से एमएसटी के बाद सीएसके का कैप्टन किसे बनाया जाना चाहिए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है हरभजन सिंह के रिगार्डिंग, जहां पर हरभजन ने अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को एक सजेशन दिया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि अब आरसीबी की टीम को विराट कोहली को ही कैप्टन बनाना चाहिए। इनके हिसाब से विराट के अंडर जब आरसीबी खेलती है तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है, और वो अग्रेशन उनकी टीम के लिए अच्छा है, तो विराट को ही कैप्टनसी दी जानी चाहिए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट की तरफ, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के रिगार्डिंग। केकेआर की साइड से भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है इस साल। आंद्रे रसेल ने जितने भी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, ना सिर्फ इस साल बल्कि लास्ट के 2-3 साल में भी आंद्रे रसेल का जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा है। तो ऐसे में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केकेआर की टीम भी आने वाले सीजन में अब आंद्रे रसेल को बेंच पर बिठा सकती है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है आईपीएल की पॉइंट्स टेबल के रिगार्डिंग। कल हुए मुकाबले के बाद पूरी पॉइंट्स टेबल चैनल के ऊपर अपडेटेड है। वैसे भी इस मुकाबले से एक ही पोजीशन में चेंज हुआ, और वो चेंज था दिल्ली कैपिटल्स की पोजीशन में, क्योंकि अब डीसी की टीम इस मुकाबले को जीतने के बाद एसआरएच से ऊपर नंबर 9 पर आ गई और एसआरएच नंबर 10 पर जा चुकी है। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।